तो देखती आंखों और सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शैंग ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का ये मूवी पोस्टर आप किस तरह बना सकते हैं। तो ये मैंने मूवी पोस्टर बनाया शैंग ची का, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने शैंग ची को लिया, फिर इसके अंदर ये लिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, और इनकी मदद से मैंने बनाया ये पोस्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका ब्रेकडाउन करते हैं कि बना किस तरह था। सबसे पहले मैं इनको बंद कर देता हूँ यहाँ से ताकि आसानी हो देखने में। तमाम लेयर्स को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, सिर्फ बेसिक्स लेयर्स बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हम बीजी पे, इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। सबसे पहले लिया हमने एक बैकग्राउंड, ठीक है जी। बैकग्राउंड लेने के बाद हमने इसके ऊपर ब्लैक कलर मारा, ठीक है, ब्लैक कलर लेना है यहाँ से आपने, ठीक है। और ब्लैक कलर लेने के बाद इसको लीनियर लाइट देना है, ठीक है, और ओपेसिटी इसकी 30-20 करके इसको हल्का सा शेड देंगे, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एक ग्रीन कलर लिया, ठीक है, और उसको नॉर्मल रखा और यहाँ से ओपेसिटी आपने 30-25 रख के इस तरह फेरना स्टार्ट करिए। अपनी मर्जी से यहाँ से ग्रीन कलर ले लीजिएगा, कोई पहले इस पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे करके यहाँ से ग्रीन कलर बनाइएगा और हल्का सा उस पर फेर दीजिएगा, ठीक है, अपनी मर्जी का कलर कोई भी ग्रीन। अच्छा, उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे ये, ठीक है, ये मैं इमेज आपको अपलोड करूँगा तो वहाँ से उठा लीजिएगा। ये ग्रीनरी लिया आपने, ठीक है, जंगलात टाइप की चीज़ है ये, ठीक है। और इसको करा मैंने ह्यू सैचुरेशन, इस पर देखे मैंने ह्यू सैचुरेशन क्या करा है कि इसकी सैचुरेशन 56 कर दी माइनस और लाइटनेस भी डल कर दी, वरना ये ऐसा था कुछ, ठीक है। तो सैचुरेशन कम करी और लाइटनेस भी मैंने कम कर दी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लिया मैंने ये ग्रीनरी दिख रहे होंगे आप, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ब्लैक कलर दिया हल्का सा एज यूजल, यहाँ से लिया ब्रश, यहाँ से लिया ब्लैक कलर और हल्का सा ओपेसिटी कम कर दिया, ठीक है, साइडों में दिया। फिर एक लेयर और ऐड करी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसको कलर लिया, फिल मैंने 57 लिया और ओपेसिटी इसकी कम ही रखी, ठीक है, वरना ये कुछ ऐसा था डार्क, तो मैंने इसको कलर कर दिया ताकि कलर थोड़ा ब्राइट हो जाए। फिर मैंने लिया ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट से हुआ क्या कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, डबल क्लिक करें तो ये खुल जाएगा। ब्राइटनेस मैंने बिल्कुल जीरो कर दी और कंट्रास्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो पूरा डार्क लुक आ गया, ठीक है। फिर लेवल लिया यहाँ से, इसमें जो ये स्लाइडर था मेरा, मैंने इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर कर दिया, ठीक है, ताकि और डार्क हो जाए थोड़ा, ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने एक क्लियर और ली और उसको कलर करा मैंने हल्का सा रेडिश टाइप का। चले इसको अभी बंद करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना, उसको मैं थोड़ा बंद करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब हमने लिया यहाँ पे क्लिक करा तो एक ड्रैगन आया और उसके बाद मैंने कंट्रोल क्लिक करा इस ड्रैगन पे ताकि एक सिलेक्शन लोड हो, ठीक है, और एक लेयर खोली इसके ऊपर ऐसे। यहाँ से करा मैंने शिफ्ट F5 और यहाँ से लिया मैंने 50% ग्रे, तो ओके जब मैं करूँगा तो ऑटोमेटिक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, तो जब मैं शिफ्ट F5 करूँगा तो होगा क्या कि इस तरीके से कलर आ जाएगा ग्रे कलर का, ठीक है। ये कलर लेने के बाद यहाँ से मैंने लिया ओवरले, ठीक है, और यहाँ से लिया मैंने बर्न टूल और हल्का सा इस पर फेरा, तो देख सकते हैं आप ये डार्क होना स्टार्ट हो रहा है अगर मैं फेरता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अभी लाइट आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने एक्सपोजर 9 करा हुआ है, कम रखना है आपने एक्सपोजर, ज़्यादा से नहीं कीजिएगा वरना कुछ ज़्यादा इस तरह इफेक्ट आएगा, ठीक है, तो कम ही रखिएगा 9, 12, 15 इस किस्म का, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से फिर मैंने क्या करा कि जो ड्रैगन था उस ड्रैगन को सबसे पहले मैंने, ये करने से भी पहले मैंने कैमरा रॉ फिल्टर लिया, फिल्टर में आएंगे कैमरा रॉ फिल्टर, और थोड़ा सा इसको चेंज करा था। चेंज किस तरह करा था कि अगर आप बेसिक्स में आते हैं, ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, तो कैंसिल कर दें कैमरा रॉ फिल्टर, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये कैमरा रॉ फिल्टर खुल जाएगा। तो इसके अंदर मैंने सेटिंग क्या बनाई थी, मैंने सेटिंग बनाई थी ये, एक्सपोजर थोड़ा सा पीछे करा था, कंट्रास्ट थोड़ा सा आगे, हाईलाइट थोड़ा सा पीछे, तो क्या हुआ थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ठीक है। शेडो -1, वाइट को भी थोड़ा सा -2, ब्लॉक थोड़ा सा और कम कर दिया था मैंने 12 टाइप का, ठीक है। टेक्सचर मैंने नहीं छेड़ा, क्लियरिटी थोड़ी डार्क कर दी और क्लियर हो जाता, विजिबल हो जाता, ठीक है।
तो इसी तरह सेम यही ड्रैगन और वही ऊपर 50% ग्रे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने लिया ये, ठीक है, और इसको भी मैंने कैमरा रॉ फिल्टर में आके डबल क्लिक करता हूँ, मैं दिखाता हूँ मैंने इसकी सेटिंग क्या रखी, असल में ये क्या था और फिर मैंने इसको क्या बना दिया। असल में ये पहले जो था ये था शार्प, ठीक है, फिर मैंने इसको इस तरह करा, उसके लिए मैंने हाईलाइट पीछे करा, शेडो थोड़ा सा आगे करा, वाइट, यहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है नंबर्स, ये आप कॉपी कर सकते हैं नंबर्स, ठीक है, फाइल में आपको दूंगा तो आप मैं एडजस्ट करके देख सकते हैं। टेक्सचर इतना, क्लियरिटी इतना, डिहेज इतना करा और सेचुरेशन थोड़ी सी माइनस कर दी और ओके करा, तो ये कुछ लुक इस तरह आ गया डार्क सा। फिर मैंने करी बिल्डिंग ऐड, ठीक है, बिल्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग इस तरह थी कलरफुल, ठीक है, मैंने ह्यून सेचुरेशन पे क्लिक करके सेचुरेशन इसकी कम कर दी, ठीक है, और उसके बाद लिया मैंने कर्व टूल और कर्व टूल को थोड़ा सा पीछे करा RGB में। अच्छा, यहाँ आप रेड देख सकते हैं, रेड भी मैंने थोड़ा सा पीछे करा हुआ है, ग्रीन पा के ये मैंने ऐसे ही रखा है, ब्लू मा के ये भी मैंने ऐसे ही रखा है, सिर्फ मैंने छेड़ा है आर रेड को और ग्रीन को, RGB को, ठीक है, तो ये शेप आ रहा है ग्रीनिश टाइप का। फिर हम आते हैं बिल्डिंग टू पे, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, बिल्डिंग टू में आके ये वाली बिल्डिंग है नीचे वाली, ठीक है, डार्क, तो असल में इसका शेप था कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, ये लेयर खोली, मैंने यहाँ से बताता हूँ, इस लेयर को आपने लिया है RGB, ठीक है, और इस लेयर का नाम है जो मैंने इसके ऊपर ऐड करी लेयर, ये लेयर होती है यहाँ से ऐड, ठीक है, क्लिक करके जब किसी भी लेयर पे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी लेयर ऐड हो जाएगी, ठीक है, ये है कर्व की लेयर, ठीक है, इसके अंदर RGB को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ठीक है, मैं आया रेड पे, रेड मैंने डाउन करा हुआ थोड़ा, ग्रीन बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा लिटिल बिट आगे करा है और ब्लू को मैंने थोड़ा सा पीछे करा, तो ये शेड आ रहा है। फिर मैंने लिया ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, इसको डल करा है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट पर क्लिक करके दिखा दूँ, बिल्कुल पीछे कर दी। फिर यहाँ से लिया मैंने कर्व और कर्व से मैं हल्का सा लेफ्ट साइड पर करा, बिल्कुल डार्क हो गया, ठीक है जी, हल्का सा ग्रीनिश शेड टाइप का आ रहा है, मैच हो गया बैकग्राउंड से। उसके बाद मैंने ग्लो लिया, ग्लो किस लिए लिया मैंने, देखें सबसे पहले तो मैंने शेप बनाया एक, ठीक है, पैन से इधर और एक इधर, उसके बाद मैंने हल्का सा यहाँ से ब्रश टूल लिया, ठीक है, कलर लिया मैंने ये, या कोई भी आप लाइट सा कलर ले लें, ठीक है, और ओपेसिटी 100 रख दें या 50 रख दें, बट यहाँ पे जो नॉर्मल होगा इसको आप करेंगे लीनर लॉज, ठीक है, लीनर लॉज, तो आपके पास जो शेड आएगा वो इस किस्म का आएगा, ठीक है जी, इस किस्म का। अच्छा देखें, ये लीनर लॉज मैंने यहाँ पर मारा, उसके बाद एक और कलर लिया ऑरेंजिश टाइप का और उसका कलर करा मैंने लीनियर लाइट और वो भी इसमें थोड़ा सा फैला के मारा, तो ये उभर के कलर सामने आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, मेन चीज़ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिंगची, ये आ गया हमारा शिंगची, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, ये शिंगची है, ठीक है, कैमरा रॉ फिल्टर पर आ पाएंगे, जब आप कैमरा और फिल्टर पाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी ये सेटिंग है, एक्सपोजर मैंने बिल्कुल कम करा हुआ है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा डार्क शेड आ रहा है, कंट्रास्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, हाईलाइट पीछे, शेडो पीछे, वाइट पीछे, ब्लैक कलर पीछे, और क्लियरिटी थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी और वाइब्रेंस थोड़ा सा मैंने करा है, ठीक है। अब ये हाईलाइट क्या है, शेडोज क्या है, ये सब मैं आगे फिलहाल डिफाइन करूँगा, अगर मैं अभी करने बैठूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिलहाल जो मैंने सेटिंग करी हुई आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो काइंडली इसको नहीं कीजिएगा, चाहे तो आप अपनी पिक्चर लगा लें, आप हीरो बन सकते हैं, और आप ओके करेंगे तो ये शंक्ची का कलर इस तरह आएगा। फिर आपने इस पर क्लिक करके, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमारे पास ह्यून सेचुरेशन है, सेचुरेशन मैंने आगे कर दी है और ह्यू मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसके जब मैं इसको बंद करता हूँ तो ये इसके ऊपर एक शेड आ रहा है रेड कलर का, देख रहे हैं जो लाइटिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पीछे जो रेड रोशनी है उसके ऊपर पड़ रही है, तो इसके शेड्स आ रहे हैं इस बंदे के ऊपर। तो ये मैंने करा क्या है, सिंपल इसको कंट्रोल क्लिक से सिलेक्शन लोड करिए, ठीक है, यहाँ से मैंने ब्रश टूल लिया है, कलर लिया है ऑरेंज, ठीक है, और इसी लेयर पर रहते हुए लीनियर डॉज करा था, और उसके बाद आप एक काम करें, एक नया लेके मैं बताया था, ठीक है, कंट्रोल क्लिक से सिलेक्शन लोड करी, कंट्रोल एस से सिलेक्शन हाइट करी, नई लेयर लेके जब मैं इस पर फेरूंगा तो देख रहे हैं इस किस्म के शेड आ रहे हैं, तो ये मैंने ये करा था,
और इसको मैंने करा था यहाँ से गौर से देखें क्या लिखा, लीनियर डॉश, तो उसको भी मैं लीनियर डॉश कर देता हूँ, तो ये आपके पास ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। पर ये किनारे पे कीजिएगा, इस तरह नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये, एक तरीका ये, और एक तरीका जो अभी मैं आपको ये आपके आपके सामने वो ये है कि मैंने करा क्या कि यहाँ से ली मैंने ह्यू एंड सेचुरेशन, इसका रेड मैंने बढ़ा दिया, इसका मैंने ह्यू कर दिया और उसको कर दिया कलराइज कुछ तो ये, सॉरी इस तरह कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपल क्या करा, आपने इसको सिलेक्शन हटा दूँ ज़रा सा मेरा ये, ठीक है। मैंने सिंपल क्या करा, 20 से इसको रिमूव कर दिया, ओपेसिटी बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पर आया वाइट कलर लिया, ठीक है, तो आप सॉरी ब्लैक कलर, तो आप देख सकते हैं मिट रहा है, ठीक है। पूरा मिटा दें चाहे तो, एक दफ़ा पूरा मिटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने जूम करके अब यहाँ से मैं ब्रश तुल लूँगा, और ठीक है इस लेयर पर मैं इसको थोड़ा सा वाइट करूँगा और अब इसके किनारों पर फेरूँगा, ये देख सर रेड रेड हो रहा है। और यहाँ से आपने लेना क्या है, लीनियर डॉज, तो ये शेड आएगा इसका, ये जो इसके ऊपर आ रहा है सेम ये शेड, ठीक है। फिलहाल हम अभी इसको नहीं कर रहे क्योंकि मैं इसके ऊपर वैसे ही दे चुका हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ज़रा देख लीजिएगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको हटा देता हूँ, फ़र्ज़ करें इसको हटा के मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और दिखाता हूँ। आपने यहाँ से लिया ह्यू एंड सेचुरेशन ताकि क्लियर हो जाए आपको, इसको कलराइज पे चेक लगाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, ये वाइट है, इसको मैंने पहले तो क्लिक कर दिया कंट्रोल बैक स्पेस से पूरा, इसके ऊपर जो रोशनी आती है वो ख़त्म कर दिया, कन्वर्ट कलर इन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने वाइट कलर यहाँ से लिया और ब्रश टूल लिया, और जब इसके किनारे पे फेरूंगा तो देखेंगे इस तरह आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप लीनियर डॉज ले लीजिएगा, ठीक है, तो ये शेड इस तरह पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसा कर दें, क्लियर। यहाँ पे भी फेर देते हैं इसको भाई, ये देख रहे हैं। फिलहाल इसको मैं डिलीट करके अपना पुराना वाला ले आता हूँ ताकि मेरी सेटिंग ख़राब ना हो यहाँ से। ओके जी, ये आ गया हमारा पुराना वाला, ये सेटिंग देख लीजिएगा जो मैंने सेटिंग रखी हुई, ठीक है। ये सेटिंग देख लीजिएगा मैंने कौन सी सेटिंग रखी है, तो आपके समझ में आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने ग्रेडियंट लिया, ठीक है, ग्रेडियंट इसी लेयर को एक यहाँ से ग्रेडियंट लूँगा ऐसे, ये ग्रेडियंट है भाई ग्रेडियंट, ठीक है, और ये इस तरह ग्रेडियंट आता है, और इसके अंदर ही अल्टर क्लिक से आप इसको अंदर कर सकते हैं इसके, ठीक है, इस तरीके से जब आ जाए। कलर लेंगे आप ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक आ रहा है, और ये देखें ये इसको ऑन करें यहाँ से पहले तो देख सकते हैं ये ब्लैक कलर आ गया इस पर डबल क्लिक करें, ठीक है, ज़्यादा ऊपर मत कीजिएगा वो नहीं बहुत, ये पूरा मुंह तक आ जाता है, थोड़ा सा नीचे इसको करें ताकि पैरों के पास जाके एडजस्ट हो, फिलहाल मैंने यहाँ रख दिया। और ये वाइट कलर आएगा, ये देख रहे हैं कि इसके साथ एक मास्किंग टूल होता है, इसको मैं हटाता हूँ उधर से ताकि आपको क्लियर हो। ये मास्किंग टूल को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल बैकस्पेस करेंगे, ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब अल्टर बैकस्पेस करेंगे तो ये इस तरह ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा था, जब मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको क्लियर ही हो जाए। यहाँ से आपने लिया ग्रेडियंट, ठीक है, और इसको करा आपने ब्लैक, ओके करा, ठीक है, क्लियर। और ये जो है यहाँ से लेने पहले ये आला, ठीक है, इसको डिलीट कर दें, ये वाइट लिया एक तरफ वो यहाँ से इसको करें ब्लैक, यहाँ से लें ग्रेडियंट क्लिक करें, ठीक है, इसको हटा दें, इस पर क्लिक करा, इसको ब्लैक करा, इसको ओके करा, इसको ओके करा, और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले गए, ठीक है, थोड़ा सा पैर के पास रखिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ओके कर दें। और यहाँ वाइट पर आके ब्रश टूल लेंगे आप और इसको हल्का सा रब करेंगे मुंह के पास से, ठीक है, सॉरी ब्लैक कलर, ठीक है, ताकि कलर थोड़ा सा विजिबल, ठीक है, पैरों के पास से छुपा दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं कि ये आप देख रहे हैं ये लीनियर लाइट लिया हुआ है मैंने, ठीक है, इसको दिया किस तरह मैंने ये भी बता देता हूँ मैं आपको। एक कलर ऑप्शन लिया,
यहाँ से ऑरेंज कलर ले लिया, ठीक है, अलविदा का, और इसको करा लीनियर लाइट, लीनियर 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 लाइट, लीनियर लाइट, और हल्का सा उसको ऐसा करें, ठीक है। उसके बाद मास्क टूल ले लेंगे आप, और इसको मिटाना हो तो ब्लैक कलर के ज़रिए, क्योंकि वाइट है तो ब्लैक से मिट जाएगा, इस तरह मैंने दिया हो, ठीक है। ये गेम इसी का, इसी तरह आप इसको चेक कर सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं अपना दोबारा ले आता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये आ गया मेरा वाला, मैंने ज़्यादा डार्क ऑरेंज नहीं लिया था, ठीक है। और उसके बाद एक लेयर और खोली, ये लेयर किस चीज़ की भाई, ये देखना पड़ेगा ये किस चीज़ की लेयर है। ओके, ये हमारे इसने जो यहाँ पर डंडा पकड़ा हुआ है इसकी लेयर है। गौर करें, कलर हल्का सा चेंज हो रहा है, येलोइश कलर है, ये आप देख सकते हैं येलोइश कलर है, ठीक है। इसको बंदे को पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल क्लिक करके, ठीक है, एक लेयर ऊपर खोली थी, इसका कलर यहाँ से ऑरेंज लिया था और कलर ये लिया था, और ओपेसिटी थोड़ी सी हल्की रखी थी, ठीक है, ताकि इससे मैच हो जाए, ठीक है। ये तो था शिंची, अब आती है ग्रास, ग्रास ग्रास। तो ये है ग्रास जो सामने आ रही है, ये आपने ग्रास जब नहीं रखी थी तो ये कलर था, फिर आपने इस पर क्लिक करा तो ये बन गया आपका ह्यू एंड सैचुरेशन, सैचुरेशन आपने करा पीछे, उसके बाद आपने लेवल लिया, लेवल लेके इसको पूरा कर दिया आपने ब्लैक, ऊपर से देख सकते हैं ये सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको हटाते हैं, ये फायर स्पार्क्स, ये क्या चीज़ है भाई, आप इसको नॉर्मल करें तो आपकी फाइल में दे दूंगा, ब्लैक कलर की फाइल होगी, सिंपल, ठीक है। फिर आपने सिंपल इसको करा स्क्रीन, और इसको भी आपने करा स्क्रीन, तो इस किस्म का इफेक्ट आ गया। फिर आपने सिंपल एक लोगो लगाया, ठीक है, और उसके बाद दिया आपने कलर लुकअप, कलर लुकअप यहाँ से मिलेगा आपको नए वर्जन के अंदर, ठीक है, ये कलर लुकअप, और यहाँ से लिया आपने सॉफ्ट वार्मिंग लुक, ठीक है। अगर कलर लुक ना भी मिले तो डजेंट मैटर, आपने कलर बैलेंस ले लेना है, कलर बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ से आप अपने मर्जी का कोई टून एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने ब्लू थोड़ा सा आगे करा हुआ है, ग्रीन थोड़ा सा ग्रीन आगे करा हुआ है, और सियान आगे करा हुआ है, बाकी देख लें शेडो, शेडो में हमने येलो पीछे, इस तरह हमने आगे भी इसको पीछे करा हुआ है, और हाईलाइट को हमने इस तरह सेटिंग रखी, तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने कलर लुकअप दे दिया, और आखिर में मैंने एक टाइटल दे दिया, ये ब्लैक था, इसको मैंने कर दिया स्क्रीन। और उसके बाद आती है बारी ये चीज़, ये क्या, ये फाइनल हो चुका है, पर फिर मैंने इसको एक फाइनल और थोड़ा सा टच दिया, तो ये इस तरह निकल के आया। ये मैंने क्या करा था, ये मैं आया फिल्टर के अंदर सिंपल, सबसे पहले मैंने करा क्या, मैं आपको बता दूँ, ये जब बिल्कुल फाइनल हो गया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई दबाया, तो ये सारी लेयर एक मर्ज होकर ऊपर की साइड, ऊपर की लेयर आके बन गई, ठीक है। फिल्टर में आऊँगा, मैं करूँगा कैमरा रॉ फिल्टर, और उसको थोड़ा सा इन्हेंस करूँगा, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ इन्हेंस करें कलर इसके। मैंने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है, एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है, कंट्रास्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे करके देखें, नहीं उसको आगे करा, गुड हो गया, तो ये हाईलाइट फीचर करके देखें आगे, नहीं लेफ्ट साइड पे ज़्यादा अच्छी लग रही है। शेडो उसका कम करा, ओके, वाइटनेस की थोड़ी सी कम करी, ब्लॉक थोड़ा सा पीछे करा, क्लियरिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, और इसका वाइब्रेंस मैंने और बढ़ा दिया, सिंपल ओके करा, ये लुक आपके सामने आया, ठीक है जी। तो ये फाइनल लुक है आपका शेंग ची का। तो मूवी आने से पहले इसका पोस्टर आ गया, एक मैंने बनाया, एक उन लोगों ने बनाया है, देखें आपको किसका अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, इसके तमाम इमेजेस मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको चेक कर लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तो आप भी खूबसूरत से पोस्टर बना सकते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।